हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाएंगे अंकुरित चने की सब्जी। ये देखिए कितने अच्छे से ये चने जो हैं अंकुरित हो गए हैं। आपको पास से दिखाऊं, ये देखिए बहुत अच्छे से। तो ये एक कप लिए हैं हमने, इसमें हमने एक कप चने में दो कप पानी डाला है। थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार, ठीक। इसको मिक्स करेंगे और पकने तक दो या तीन विसल, जब ये सॉफ्ट हो जाएं तब तक हम इसमें प्रेशर कुकर में इसको पकाएंगे। जब तक काले चने तैयार हो रहे हैं तब तक हमने ले लिया है पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। उसमें डालेंगे हम ये आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हींग। हींग की खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी आती है और चने वैसे भी खाने में हैवी होते हैं ना, तो आप थोड़ा सा हींग जरूर डालिए। इनको मिक्स करेंगे जीरा भून गया है। अब हम डालेंगे इसमें ये कटा प्याज। चॉपर से हमने ना दो प्याज को बारीक काट लिया है। दो बड़े प्याज हमने लिए हैं, उनको बारीक काट लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। एक हरी मिर्च को भी हमने इसमें डाल दिया है और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें ये कुटा हुआ लहसुन। ये भी हमने 8 कलियां लहसुन लिया है। इसको आप काट के भी डाल सकते हैं, बट कूटने से इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी आती है। तो अब इनको भून लेंगे प्याज के साथ। हल्का हल्का ब्राउन प्याज होना शुरू हो गया है और प्याज भूनना शुरू हो गया है, तो इस समय हम इसमें डालेंगे हल्दी। थोड़ी हमने अंदर भी डाली है चने में, थोड़ा हम प्याज भूनते हुए डालेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, पूरा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा। धनिया पाउडर की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। और इसमें हम डालेंगे ये चना मसाला 1 चम्मच। कोई भी मसाला आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मिर्च ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। कुछ सेकेंड्स के लिए मसाले भून जाएं। इसी के साथ हम ग्रेटेड 1 चम्मच अदरक डाल देंगे। फ्रेश अदरक और फ्रेश लहसुन की ना बात ही अलग है, तो कोशिश कीजिए फ्रेश डालें। आप अपनी तैयारी करके रखिए पहले ही। अगर मॉर्निंग में बना रहे हैं तो रात को आप फ्रेश रैप से डब्बी को पैक करके आप इसमें रख सकते हैं और फटाफट सब्जियां बन सकती हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर रेडीमेड आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। अदरवाइज आप कभी भी कंपेयर करके देखेंगे ना, तो जो घर का है ना फ्रेश, उसका टेस्ट अलग आता है। और मसाला भुन गया है। अब हमने 2 बड़े टमाटर की प्यूरी ली है। छोटे हैं तो 3 ले लें, बड़े हैं तो 2 ले लें। उनको लेकर हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और अब हम इनको प्याज को टमाटर के साथ भून लेंगे। मसाला जितना अच्छा हम भूनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। थोड़ा नमक हमने चने में डाला है, थोड़ा नमक हम मसाले में भी डाल देंगे। जैसे आप खाते हैं, जितना खाते हैं उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं नमक। ये देखिए मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है, तो हम इसको साइड में करते हैं, मसाले को गैस ऑफ कर देते हैं। और ये देखिए 4-5 विसल आने के बाद ना हमने अपने आप ही कुकर को ठंडा होने दे दिया। प्रेशर अपने आप ठंडा हो गया और आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से चना जो है वो गल गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी सोक्ड और अंकुरित था। तो 1 कप चने को हमने सोक किया था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये तैयार हो गया है। और इसकी तरी गाढ़ी हो इसके लिए हमने 1 उबले आलू को ग्रेट करके ना इसके अंदर मिला लिया है। तो आप इसकी, ये ऑप्शनल है, आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप इस तरह से मिला के
आलू को एक मिनट भून के और फिर अब हम इसको कुकर में डालेंगे। भूनने के बाद हमने कुकर में डाल दिया है और ये देखिए कितना ये तरी जो है इसकी गाढ़ी हो गई है। और अब हम थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल के ना थोड़ा सा एक विसल लगाएंगे। एक विसल आने के बाद हमने कुकर को खोल लिया है, उसमें डालेंगे हम ये कटा हुआ धनिया। ऑलरेडी चने हमारे गले हुए थे, बस ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, तरी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। इतनी टेस्टी ये सब्जी बनी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब कभी लगता है ना कि क्या बनाएं, तो ऐसे अंकुरित चने की सब्जी बना लीजिए, बहुत ही बढ़िया बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।